अस्सलाम वालेकुम नाज़नीन, मुझे सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल कुकिंग विद नाज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई टाइम आपको मिलता रहे। तो व्यूवर्स, चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो सी हमारी रेसिपी है वो है मूँग की दाल। और मज़ेदार सी मूँग की दाल कैसे तैयार होगी, इसकी तरकीब क्या है, ये हम आपको बताते हैं कि हमने यहाँ पे मूँग की दाल जो सी है वो पानी में भिगो कर रख दी है। 1 टेबलस्पून हम लोगों ने नमक लिया है, 1 टेबलस्पून ही दादरी मिर्च है, 1 टेबलस्पून ही हल्दी है, और ये जो सुरख मिर्च है ये भी 1 टेबलस्पून है। 1/2 टेबलस्पून हम लोगों ने ज़ीरा लिया है। धनिया हरी मिर्च हम लोगों ने यहाँ पर लास्ट पे डालेंगे गार्निश करने के लिए रख दी है। तो फिलहाल हम लोगों ने जो अपनी रेसिपी इसको शुरू कर लिए। प्याज हम लोगों ने ब्राउन होने के लिए रख दिए हैं। तो चलते हैं चूल्हे की तरफ और आपको दिखाते हैं कि जो सी मूंग की दाल की रेसिपी है वो कैसे तैयार होगी। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हम लोगों ने प्याज रख दिए हैं, लेकिन इनको लाइट कलर हम लोगों ने कहना लाइट कलर कर लेते हैं और फिर आपको दोबारा दिखाते हैं। तो हम लोगों ने टमाटर भी इसके अंदर डाल दिए हैं और ये स्पाइसी जो हमने आपको शुरू में दिखाई थी उसके अंदर हम लोगों ने शामिल कर दिए हैं। यानी कि हम लोगों ने पहले इसका मसाला तैयार करना है और फिर बाद में जो होती है दाल इसके अंदर शामिल करनी है। तो व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग जो सी दाल है वो देशकी में बना रहे हैं। हम लोग मतलब उसको कुकर में नहीं बना रहे। वो लोग जो से कुकर में दाल बनाने से डरते हैं तो उनके लिए बहुत ईजी है कि आप लोगों को तरीका भी पता चल जाएगा, आप लोग दाल भी बना लेंगे बआसानी। तो ये मसाला हम लोग अच्छे से भून लेते हैं क्योंकि जितना अच्छा मसाला भुना हुआ होगा उतनी मज़ेदार सी जो सी हमारी वो दाल तैयार होगी। तो अब हम लोग इसके अंदर दाल शामिल कर रहे हैं। अब हम लोगों ने जो सी दाल है वो शामिल कर ली है इसके अंदर। और अब हम लोगों ने दाल को मतलब चावलों की तरह भून के बनाना है, मतलब घुली हुई दाल नहीं होगी, थोड़ी सी खड़ी सी दाल होगी ये चावलों की तरह की। तो अब हम लोग इसको थोड़ी देर पकाने के बाद दम पे रख देंगे पकने के लिए। पानी भी डालना हम लोगों ने थोड़ा सा इसके अंदर और फिर इसके बाद जो सी हमारी रेसिपी है वो तैयार होगी। तो फिर आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारी वीडियो को पूरा देखना, देखना मज़ेदार जो सी मूँग की दाल है हम लोग विदाउट प्रेशर कुकर आपको बनाना सिखा रहे हैं वो कैसे। थोड़ा सा पानी डाल के ना पकानी है, फिर दम पे रख देते हैं। अब ये उबाला दिलाना हम लोगों ने, ठीक है, एक उबाल दिलाने के बाद हम लोगों ने दम पे पकने के लिए इसको। हाँ जी, ये ना अब मैंने दम पे ना रखने के लिए ये देखेंगे ये भी आ गया। ये माशाल्लाह भुनी हुई दाल हमने पकाई है, वो मज़े की बनती है, आप भी बनाएं। तो फाइनल हो गई। हाँ जी, ये धनिया हरी मिर्च मैंने डाल, चलिए निकाल के तो व्यूअर्स माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो सी आज की रेसिपी है वो तैयार हो गई है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो सी हमारी आज की रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो हमें अपनी फीडबैक दें, क्योंकि बगैर कुकर के हम लोगों ने दाल जो सी आज आपके साथ बनानी उसकी रेसिपी शेयर की है। वो लोग जो प्रेशर कुकर यूज़ नहीं करते, स्केयर्ड है यूज़ करने के हवाले से, तो इसलिए आज हमने इस रेसिपी को बनाया है भुनी हुई दाल। तो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आपको जो सी आज की हमारी रेसिपी है पसंद आएगी। पसंद आए तो हमें अपनी फीडबैक दें और इसके साथ साथ अगर तक आप लोगों ने हमारे चैनल को कभी इतना सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हमसे हमारे एक मतलब फ़ैन जो है उन्होंने सब्सक्राइबर ने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि बिरयानी, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको बिरयानी की रेसिपी भी हम सिखा देंगे, बस थोड़ा सा वेट करें जो जल्दी बन जाए। हाँ जी, तो हमें उन्होंने मतलब कमेंट किया था और इंशाल्लाह व्यूअर्स हम आप लोगों की जो रिक्वेस्ट है उसको ज़रूर पूरा करेंगे। इसके अलावा भी अगर कोई हमसे रिक्वेस्ट करना चाहता है तो वो कर सकता है, इंशाल्लाह आप लोगों की रिक्वेस्ट हम लोग जरूर पूरी करेंगे। तो मैंने इसलिए सोचा कि उनको बता दें कि हम लोग जो सी बिरयानी की रेसिपी शेयर करने वाले हैं बहुत जल्द, तो स्टे कनेक्टेड। तो फिर जितने आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई वीडियो लेकर दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। हम आपके लिए दुआ को में दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।